हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजु पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हो, ये स्टडी से रिलेटेड चैनल है, तो आज इस पर मैं आपको ये बताने आया हूं, ये जो 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 3, क्लास 10 चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, उसका आज हम चैप्टर करेंगे जो जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैं आज इसमें वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा ये सुन लीजिए। पहले मैं इसमें आपको जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, और फिर उनका पेयर कैसे बनता है वो भी देखेंगे, और इसी के साथ मैं एक्सरसाइज 3.1 उसको भी इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? पेयर का मतलब आपको पता है क्या होता है, पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़ा बनाना है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपने वैसे तो पढ़ रखी होगी, मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिलाता हूँ कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होती है। कितनी पावर? 1। जैसे कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स होता है या फिर वाई होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। ठीक है, तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। इसी के बाद एक आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था, हमने पिछली वीडियोज में किया है और पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। ठीक है, तो यह है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है आपका उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1। ठीक, उसके बाद आती है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो एक्स और वाई होते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी, ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है और हमें उनकी वैल्यूज पता नहीं होता, हम उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं उनका, ठीक है, तो ये इस रूप में होती हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि इस जो चैप्टर है इसमें हम कितने वेरिएबल यूज करेंगे? 2 वेरिएबल यूज करेंगे। तो एक्स और वाई लेता हूँ मैं, बाकी सभी को साफ कर देता हूँ, हम इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करेंगे, इनसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन आएंगे उनको इन्हीं से सॉल्व करेंगे और अच्छे नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस और जो वेरिएबल्स वगैरह, ये सिर्फ 10th क्लास तक सीमित नहीं रहता, आजकल मतलब जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, तो मतलब उनमें भी इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, और अगर आपने 10th क्लास अच्छे से की है तो आप वहाँ पर कोई भी मतलब क्वेश्चंस को छोड़ोगे नहीं, अच्छा काम करोगे वहाँ पर, और अच्छे नंबर से मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम से पास कर लोगे, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनकी एक बेसिक फॉर्म होगी, क्या होती है बेसिक फॉर्म, मैं वो लिख देता हूँ बोर्ड पे, बेसिक फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी बेसिक फॉर्म क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होगी इसकी बेसिक फॉर्म, ठीक है। इसमें ए कोई भी एक कॉन्स्टेंट होगा, बी भी एक कॉन्स्टेंट होगा, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स, सी भी एक कॉन्स्टेंट होगा, ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट, और सी एक्स वाई वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा या नहीं है तो कहीं पर करना भी पड़ सकता है, हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये है इसकी बेसिक फॉर्म। अब आपको पता है कोई भी अब काम करते हैं तो उसका बेस मजबूत होना जरूरी है, तो इसका बेस हमें पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो इसमें और कुछ नहीं है, इसे बताने के लिए मैं एक्सरसाइज 3.1 करवाता हूँ आपको। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है वो देख लीजिए एक बार, मैं इसको यहाँ से साफ कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, कोई आफ्ताब है उसने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा सुनिए, 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है, 7 साल पहले मैं आपकी जो आयु थी उससे 7 गुना था, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि प्रेजेंट एज, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है लेकिन मैंने अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है, पहली लाइन पकड़ी उसी से मैंने अपना पहली लाइन बना ली। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, हमने माना लेट और लगाना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स, क्या मान लिया एक्स, और सेम ऑफ हिज डॉटर,
डॉटर, उसकी डॉटर की एज हमने मान ली वाई, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब देखिए क्या बताया, सात साल पहले सेवन ईयर्स अगो इसकी एज क्या थी, एफताब की एज क्या होगी, एक्स है, आज एक्स है, लेकिन उससे सात साल पहले, तो एक्स माइनस सात, ये वाली एज होगी उसकी, ठीक है। और इसकी बेटी की, डॉटर की क्या होगी, मैंने डी से डिनोट कर दिया डॉटर को, आप अच्छे से पूरा लिख सकते हो, वाई आज है, आज से सात साल पहले, वाई माइनस सात, मान लीजिए आपकी एज आज 18 साल की है, ठीक है, तो सात साल पहले कितने साल के थे, 11 साल के, 18 में से सात है, मान लीजिए किसी की एज आज 20 है, उसकी सात साल पहले कितनी थी, 13, ठीक है। उसी तरीके से आज अगर वाई है तो उसमें से सात गए उसकी सात साल पहले की एज, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कंडीशन कह दी है कि सात साल पहले अफताब जो है ना वो डॉटर से सात गुना सात टाइम मल्टीपल था, तो x माइनस सात, पहली कंडीशन क्या थी है, x माइनस सात इज इक्वल टू सेवन इंटू वाई माइनस सेवन, ठीक है, जो इसकी डॉटर की एज थी उससे सात गुना कर इसके बराबर आ रही थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या लिखा मैंने, x माइनस सेवन इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, सेवन वाई माइनस में 49, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ले आता हूँ मैं, एक्स है, एक्स सेवन वाई, इस साइड आकर माइनस का सेवन वाई, माइनस का सेवन है और ये इस साइड आकर प्लस का 49 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 42, डेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन आई है आपकी सात साल पहले की, सात साल पहले ऐसा कुछ था कि इन में इनकी वैल्यू पुट करो आज की, और सात साल पहले का जो है ना वो इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है इक्वेशन में, ऑल्सो द थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से तीन साल बाद आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल, ठीक है। अब वो कहता है कि मैं मतलब आज से तीन साल बाद मैं आपकी आयु का तीन गुना हो जाऊंगा, तो तीन साल बाद का मैं यह लिख देता हूं, ये क्वेश्चन हमारी सेवन ईयर सब हो गए है, वाई प्लस थ्री तीन साल बाद, सॉरी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ इसकी एक्स वाई प्लस थ्री, इसकी जो तीन साल बाद की आयु होगी उससे तीन मल्टीपल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एक्स माइनस में थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा, मैंने इससे ये निकाल लिया, इससे ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या था, इजंट इंटरेस्टिंग है, हाँ इंटरेस्टिंग तो है भाई, सात साल पहले सात मल्टीपल था, तीन साल बाद तीन मल्टीपल होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन की है ना इसको क्या बोलते हैं, एलजेब्रिकली, ठीक है। उसके बाद एंड ग्राफिकली, अब ग्राफिकली और करना है तो ग्राफिकली क्या करना है वो देख लीजिए, मैंने ये इक्वेशन को यहाँ तक किया, ठीक है। अब आपको पता होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये होता है ग्राफ, आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, उसमें जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो होती है जीरो, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, ये माइनस के और ये माइनस के, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब दोनों को ग्राफिकली डिनोट करना है तो उसके लिए एक आपकी टेबल बनानी होती है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस की एक टेबल बनेगी इस तरीके से, इसकी इक्वेशन की यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की वैल्यू मैं रखता हूँ कुछ, मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखी तो y की वैल्यू मेरी क्या आती है वो देखना है मेरे को, ठीक है, माइनस दो, x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू माइनस दो, और y की मैं अगर जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू सिक्स, ठीक है। इस तरीके से इसमें देखना है कि x की वैल्यू क्या रखूँ, x की वैल्यू अगर मैंने जीरो रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x यहाँ पर, y यहाँ पर जीरो सिक्स, उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं सेवन रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास सेवन आती है, ठीक है, यहाँ से ये पता चलेगा। अब देखें इनको मुझे जाना है तो इसमें देखिए जीरो और माइनस टू, ये जीरो, एक्स जीरो, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू यहाँ पर, ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये होगा। उसके बाद है एक्स सिक्स, वाई जीरो, वाई जीरो, एक्स सिक्स, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिख देंगे कौन सी क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन लिख देंगे आप इस तरीके से, इसको जीरो सिक्स, एक्स जीरो, वाई सिक्स,
एक ये पॉइंट हो गया, उसके बाद सेवन सेवन दोनों सेवन है, तो यहाँ पर मान लो सेवन है और यहाँ पर सेवन है, दोनों यहाँ पर मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी कट करेंगे, कट कर जाएंगे कहीं ना कहीं, इस तरीके से करना है हमें इसको। तो ये आपका जो 3.1 का पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3,3900 रुपये में क्या खरीदता है, वो 3 बैट और 6 बॉल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि बैट को मैंने माना एक्स, बैट्स एक्स डिनोट करेंगे, बॉल वाई के द्वारा डिनोट होंगे, ठीक है। तो कितने 3 बैट, 3 बैट का रेट हो गया, प्लस में 6 बॉल, 6 बॉल्स, ठीक है। इन दोनों का रेट क्या है, 3900, ठीक है। ये उसने खरीद लिया, ये हमने इक्वेशन बना लिया अपनी इस तरीके से। लेटर सी वाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदा, बैट कितना 1, प्लस में 3 बॉल, प्लस 3 मोर बॉल्स, सेम सेम काइंड, मतलब सेम तरह की है, तो उनके रेट में कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम रेट रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि मोल भाव कर लिया अगली बार तो कम रेट हो गया, रेट कम नहीं होगा, वही रहेगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली ये हो गया, ठीक है, और ज्योमेट्रिकली ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है। तो ग्राफ आप बना सकते हो आसानी से, अब मैंने आपको बता दिया उस तरीके से ग्राफ बनाने क्या करना है, नंबर लाइन्स लेनी है दोनों, और मतलब जो ग्राफ की होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दो टेबल बनानी है दोनों, एक टेबल यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर, एक्स और वाई की वैल्यू रख के, एक्स की जीरो रख लो वाई की आ जाएगी, वाई की जीरो रख लो एक्स की आ जाएगी, अगर छोटे इक्वेशन हैं तो, ठीक है, छोटी नंबर्स की हैं, और अगर बड़ा है तो आप बड़ी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, तो हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 2 किलो एप्पल हैं, 2 किलो सेब एंड 1 किलो ग्रेप्स अंगूर। थर्ड क्वेश्चन में एप्पल को मैंने ले लिया एक्स, प्लस में 1 किलो ग्रेप्स जो कि मैंने वाई से ले लिया। अब इनका रेट क्या है, इनका रेट है 160 रुपये, 160 रुपये पाया गया पाउंड, ठीक है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स, एक महीने बाद, महंगाई होगी, ठीक है। 4 किलो एप्पल और 2 किलो सेब, सॉरी 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ठीक है, ग्रेप्स, इनका रेट है 300, ओके, रेट सेम रहेगा, कुछ महंगाई वगैरह नहीं हुई, इनका रेट सेम रहेगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, एल्जेब्रिकली ये हो गया एल्जेब्रिकली, यहाँ से दोनों इक्वेशंस बन गई, ठीक है, और ज्योमेट्रिकली आप शो कर सकते हो, ग्राफ पे बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक। तो मेरे को लगता है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको वेरिएबल्स के बारे में पता चल गया होगा, वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती, एक्स और वाई जैसे, ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस जो जिनकी मैक्सिमम पावर एक होती है एक्स और वाई की, ठीक है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है। तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इंट्रोडक्शन भी अच्छा हुआ होगा। अब हमारे साथ बने रहिए, हम अपनी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.2 उसको जल्दी करेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी आएगा, प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, आप उसको आसानी से देख सकते हो, ठीक। थैंक यू, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी देख सकें। थैंक यू।